मुंबई यूनिवर्सिटी से एमबीए करने के बाद आशीष हेमर जानी का अगला पड़ाव नौकरी था। 1997 में एडवर्टाइजिंग कंपनी हिंदुस्तान थॉमस एसोसिएट्स के साथ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। इसी दौरान आशीष का अफ्रीका जाना हुआ, जहां इंटरनेट के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं से प्रभावित होकर आशीष ने मन में नए नए आइडिया आने लगे, जिनके चलते उन्होंने वहां फेंडेगो और टिकट मास्टर जैसी इंटरनेशनल टिकट कंपनियों की वेबसाइट खंगाली। अफ्रीका से लौटते हुए पूरे सफर के दौरान आशीष इन्हें आइडियाज के बारे में सोचते रहे। हेलो दोस्तों, उपस्थित तो आपके साथ एक और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टार्टअप स्टोरी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब या साथ में घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाले मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग स्टार्टअप स्टोरी की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। आशीष ने अपने देश में टेलीफोन और इंटरनेट के जरिए मूवी के टिकट बेचने का फैसला लिया और इसके लिए उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी। यह वह दौर था जब सिनेमा के टिकट बेचना अच्छा नहीं समझा जाता था, ऐसे में यह फैसला लेना काफी मुश्किल था। चुनौतियों के बावजूद उन्होंने 1999 में विक्ट्री एंटरटेनमेंट की स्थापना की। इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए आशीष ने अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताते हुए चेंज कैपिटल को एक ईमेल भेजा। करीब 7 दिन बाद वहां से जवाब आया और $500,000 की फंडिंग में निवेश करने के साथ उन्होंने कारोबार की शुरुआत की। इस दौरान देश कंप्यूटर से परिचय ही कर रहा था, कम लोगों के पास क्रेडिट कार्ड हुआ करते थे और नेट बैंकिंग तो कोई जानता ही नहीं था। दूसरी परेशानी यह थी कि यार थिएटरों और सिंगल स्क्रीन में ई टिकट सॉफ्टवेयर का अभाव था। ऐसे में आशीष पहले थिएटरों से बड़ी मात्रा में टिकट खरीदते और फिर कस्टमर को उपलब्ध करवाते थे। तमाम चुनौतियों के बीच आशीष ने हिम्मत नहीं हारी। 2001 में बिग थ्री के पास 160 कर्मचारियों की टीम तैयार हो चुकी थी, तभी .com का ठप्पा लग गया। इससे उभरने के लिए आशीष को सख्त कदम उठाने पड़े। लगातार कोशिशों के बल पर उन्होंने अपनी कंपनी को संकट के दौर से बाहर निकाला और 2002-2004 में कंपनी को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर का दर्जा दिलाया, जो थिएटरों को ऑटोमेटिक टिकट सॉफ्टवेयर प्रदान कराती है। 2007 में आशीष ने बिक्ट्री को बुक माई शो के नाम से रिलॉन्च किया। आज बुक माई शो 100 करोड़ के रेवेन्यू वाले क्लब में शामिल हो गया है और कंपनी ने ऑनलाइन एंटरटेनमेंट टिकट का 90% से ज्यादा बिजनेस अपने नाम पर कर लिया है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी कहानी हमें जरूर बताएं। इस प्रकार की मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग और स्टार्टअप स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी स्टोरी को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटे का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाले मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग और स्टार्टअप स्टोरी की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय।